नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का दो नंबर बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर बता दिया हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है सबसे पहले आप इसे समझिए। यहां पर देखिए, आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक काफी महत्वपूर्ण शब्द है। यहां पर देखिए क्रमागत, ठीक है। दोस्तों आपको पता है क्रमागत मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप क्रमागत को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है इसे समझना। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं आपका क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, दोस्तों ये जो संख्याएं हैं नीचे वाला ये भी आपका क्रमागत संख्या है। अब देखिए 8, 12, 14, 13, 9, दोस्तों क्या ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर देखिए 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 आता है, लेकिन आपका क्या है? 12 है, मतलब ये क्रमागत संख्याएं नहीं है। 12 के बाद 13 आता है, लेकिन आपका 14 है, मतलब ये संख्या आपका क्रमागत नहीं है। अब ऊपर देखिए 6 के बाद 7 आता है, 7 आपका है, 7 के बाद 8 आता है, 8 है, 8 के बाद 9 आता है, 9 आपका है, 9 के बाद 10 आता है, 10 आपका है, मतलब ये जो है ये आपका क्रमागत संख्याएं हैं। अभी देखिए 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, मतलब ये क्या है आपका? ये आपका क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन नीचे वाला क्या है? नीचे वाला 8 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं है, 12 है, मतलब क्या है? ये संख्या आपका क्रमागत नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बारे में कुछ बातें कही जा रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। देखिए यहां पर कैसे मानते हैं, हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि, माना कि प्रथम धनात्मक धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा x है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पहला यानी प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। हमने यहां पर प्रथम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? अब देखिए दूसरा क्या हो जाए दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले क्रमागत के बारे में बताया था, ठीक है। तो दूसरा आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x जोड़ 1 हो जाएगा, ठीक है। कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा आखिर दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो x जोड़ 1 कैसे हो गया। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में दो क्रमागत कह रहा है और क्रमागत के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, दोस्तों क्या ये संख्याएं क्रमागत है ना? देखिए 6 में आपने कितना जोड़ा कि 7 हो गया, 6 में आपने 1 जोड़ा 7 हो गया, 7 में आपने 1 जोड़ा 8 हो गया, 8 में आपने 1 जोड़ा 9 हो गया, और 9 में आपने 1 जोड़ा आपका 10 हो गया। मतलब क्रमागत संख्या में आपने क्या किया है? क्रमागत संख्या में आपने 1 जोड़ा है।
आपको भी यहां पर क्या कह रहा है, दो क्रमागत, मतलब पहला आपका x है, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका x जोड़ एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतना सा कंप्लीट हुआ, अब देखिए क्या करते हैं, अब लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है प्रश्न से दोस्तों, प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां पर देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दोस्तों आप सेम टू सेम यही बात को यहां पर लिख दीजिए, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से दो, ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल, इतना लिखिए। ठीक है इसको आप छोड़ दीजिए, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे लिखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, या फिर लिखिए दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है तो दो पूर्णांकों, ठीक है दो पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है बराबर आपका 306 है, 306 हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांक आपके सामने हैं, पहला आपका क्या है, पहला x है, दूसरा क्या है, x जोड़ एक है, दोनों को गुना कर देना है, क्योंकि आपका बोल रहा है गुणनफल, तो पहला गुना दूसरा, पहला आपका x है, x लिख दिए, गुना दूसरा, दूसरा आपका x जोड़ एक है, यहां पर x जोड़ एक लिख दिए, बराबर आपका कितना है, बराबर आपका 306 है, 306 लिख दिए। ठीक है अब आइए इसे गुना कर देते हैं, x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब इस x से इसमें गुना करना है, इसमें गुना कर दिए, अब इसमें गुना करेंगे, प्लस है, प्लस देंगे, x गुना एक आपका x हो जाएगा, बराबर क्या है, बराबर 306 है, इसको लिख देंगे। दोस्तों ये जो 306 है इसको ना इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आपका माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 306 हो जाएगा, बराबर उधर कुछ बचा नहीं, बचा तो एक लड्डू दे देंगे, ठीक है यानी जीरो दे देंगे। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, आपका जो द्विघात समीकरण है ये आपका आ चुका है। आप चाहे सॉरी दोस्तों, आप नीचे में एक छोटी सी बातें नीचे में आपको लिख देना है, इस x के बारे में आप लिख दीजिए जहां, ठीक है जहां x, दोस्तों x क्या है, x धनात्मक पूर्णांक है, जहां x क्या है धनात्मक, ठीक है जहां x धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, यह बात आपको नीचे में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट आप जरूर कीजिए, थैंक यू।